खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। पालने में नन्हा जब सोता है तब हाथों को दर्द कहां होता है। जब दिखती है लाडली परी सी तो अपनी हालत का किसे होश होता है। अपना हर सपना भुला दिया ताकि उसका सपना हो सके पूरा, पर पोलियो की खुराक पूरी नहीं ली तो उनके लिए जो किया सब अधूरा। इसलिए हर हाल में पिलाइए पूरी खुराक, तब होगी पोलियो से सुरक्षा पूरी। जन्म से लेकर 5 साल तक दो बूंद जिंदगी की, हर बच्चा हर माँ। इन विज्ञापनों के जरिए जब सदी के महानायक की बुलंद आवाज हमारे कानों तक पहुंची, तब जाकर हमने पोलियो से लड़ने की ठानी और दो बूंद के इस सरकारी अभियान को मुकाम तक पहुंचाया। भारत सरकार द्वारा पोलियो के इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत साल 1995 में की गई, लेकिन बिहार के भागलपुर के पीरपैती निवासी इस शख्स ने जिंदगी के दो बूंद की निशुल्क शुरुआत तो एक दशक पहले ही कर दी थी। पीरपैती बिहार की राजधानी पटना से करीब 230 किलोमीटर दूर और भागलपुर शहर से कुछ किलोमीटर के फासले पर स्थित जिले की सबसे बड़ी पंचायत। पीरपैती के अधीन कुल 89 गांव और 29 पंचायत हैं और बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में एक पीरपैती भी शामिल है। इस विधानसभा के कुल 89 गांवों में कमालपुर सबसे छोटा और ख्वासपुर दियारा सबसे बड़ा गांव माना जाता है और राजनीतिक दृष्टि से इन दोनों ही गांवों का अपना एक अलग स्थान है। पीरपैती इस नाम को लेकर ऐसी मान्यता है कि पैती नाम से प्रसिद्ध इस स्थान पर आज से कई सौ साल पहले दाता शाह कमाल नामक एक पीर साहब ईरान से ईरानी घोड़े पर सवार होकर आए और उनके विचारों ने पैती के लोगों को काफी प्रभावित किया। लोगों से मिले प्यार और मोहब्बत के कारण वो यहीं के होकर रह गए
और इस तरह पैती का नाम पीर पैती पड़ा। पीर साहब की मृत्यु के बाद उनके नाम से स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ एक मजार का निर्माण करवाया गया और आज इस मजार पर लोग दूर दूर से चादर चढ़ाने आते हैं और उनकी मुराद यहाँ पूरी होती है। भारत सरकार की इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी द्वारा 3 नई रेल लाइनों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें अजमेर और सवाई माधोपुर राजस्थान के टोंक के रास्ते ब्रॉड गेज लाइन, कर्नाटका के गडग और बड़ी के बीच नई रेल लाइन और झारखंड के चसीडी और पीरपैती के बीच नई ब्रॉड गेज लाइन को जल्द शुरू किया जाना है, जिस पर करीब 915.96 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। इन सभी बातों से बिल्कुल अलग पीरपैती के अतीत और वर्तमान को अपने दामन में समेटे डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह और उनके परिवार ने मानव सेवा के जरिए जिस प्रकार पीरपैती को आज दुनिया के सामने रखा है, उससे प्रत्येक देशवासी का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। पीरपैती के इस लाल की शख्सियत और इनके पूर्वजों से आपको रूबरू करवाने हम आपको कुछ पीछे लिए चलते हैं। साल 1900 और कटिहार जिले का पटनी महेशपुर गांव। इसी साल देव ऋषि गोत्र के सूर्यवंशी राजपूत और प्रसिद्ध जमींदार खुदीलाल सिंह के घर एक बच्चे का जन्म हुआ और नाम पड़ा यमुना। सन 1880 के आसपास गंगा तथा कोशी में आए तेज उफान के कारण खुदीलाल सिंह की जमीन का एक बड़ा हिस्सा कट जाने के कारण महेशपुर की करीब 95% जमीन नदी में समा गई और परिवार गरीबी से घिर गया। खुदीलाल सिंह के पुत्र यमुना यानी यमुना प्रसाद सिंह की शुरुआती शिक्षा 7वीं कक्षा तक गांव के ही विद्यालय में हुई। यमुना एक मेघावी छात्र थे और इनके पिता खुदीलाल सिंह अपनी गरीबी के बावजूद इन्हें अच्छी तालीम दिलाने के पक्षधर थे। साल 1916 में यमुना का नामांकन इनके पिता ने 8वीं कक्षा में रेलवे हाई स्कूल साहेबगंज में करवाया, जहां ये अच्छे अंकों से पास हुए। उस दौर में पूर्णिया और कटिहार के स्कूलों में बांग्ला भाषा का चलन था, ऐसे में यमुना को भी तत्कालीन इंट्रेंस यानी मैट्रिक तक बांग्ला की पढ़ाई का अवसर मिला। रेलवे हाई स्कूल साहेबगंज से इंट्रेंस पास कर अब यमुना कॉलेज में दाखिला चाहते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उनका परिवार आर्थिक तंगी और कर्ज के दौर से गुजर रहा है। इस बीच यमुना को पटना के टेंपल मेडिकल स्कूल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में बैठने का अवसर मिला और पूर्ण छात्रवृत्ति की सुविधा के साथ इन्होंने टेंपल मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया, जिसे आज हम पटना मेडिकल कॉलेज के नाम से जानते हैं। साल 1924 में यमुना ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और फिर इसी साल इनकी पहली नियुक्ति सदर अस्पताल पूर्णिया में कर दी गई। इसी साल 24 वर्षीय डॉक्टर यमुना प्रसाद सिंह का विवाह बांका के ख्याति प्राप्त अधिवक्ता शशिभूषण सिंह की 13 वर्षीय तीसरी पुत्री निर्मला देवी के साथ संपन्न हुआ। शशिभूषण सिंह पश्चिम बंगाल के तामलुक के मूल निवासी थे और बिहार के बनैली और लक्ष्मीपुर के जमींदारों का मुकदमा भी लड़ते थे। यही वजह थी कि बनैली के जमींदार ने कई मुकदमों में जीत के फलस्वरूप इन्हें 40 बीघा जमीन बांका में उपहार स्वरूप दिया था। विवाह के उपरांत डॉक्टर साहब अपनी पत्नी निर्मला के साथ अक्सर अपने ससुराल जाते और ससुराल में उन्हें दामाद नहीं बल्कि पुत्र सा स्नेह अपने सास ससुर से मिलता। इनकी पत्नी के 3 भाइयों में सबसे बड़े गोस्ट हरि सिंह, दूसरे अयोध्या प्रसाद सिंह और सबसे छोटे कृष्ण कुमार सिंह से न केवल इन्हें लगाव था बल्कि ये एक दूसरे के सुख दुख के साथी भी थे। साल 1924 से 1926 तक डॉक्टर यमुना सदर अस्पताल पूर्णिया में पदस्थापित रहे और फिर साल 1926 में ही इन्हें सदर अस्पताल भागलपुर में नियुक्त कर दिया गया। इसी साल डॉक्टर वाई पी सिंह और निर्मला देवी के घर पुत्र का जन्म हुआ और नाम पड़ा दिलीप। बच्चे के आगमन की खबर से डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी काफी खुश थे, साथ ही साथ गांव भर के लोग भी बच्चे को देखने दूर दूर से आते और अपना आशीर्वाद देते। इस मध्य भागलपुर सदर अस्पताल में तत्कालीन अंग्रेज सिविल सर्जन एंडरसन ने डॉक्टर यमुना सिंह से कहा
कि हमने कहलगांव में तो अंग्रेजी दवाखाने की शुरुआत कर दी है, अब आप पीरपैती जाएं और 3 माह के सर्वे के उपरांत बताएं कि वहां के निवासी अंग्रेजी दवाखाना शुरू करने के पक्ष में हैं या नहीं। पीरपैती में प्रयोग के मकसद से डॉक्टर यमुना सिंह कांच की 3 जार लिए पहुंचे जिसमें अलग अलग रंगों की दवाएं थी। 3 महीने के सर्वेक्षण के उपरांत पता लगा कि मरीजों की रुचि इन दवाओं में काफी बढ़ी है और फिर एंडरसन के आदेश पर पीरपैती के तत्कालीन जमींदार एंटोनी से 3 एकड़ जमीन लेकर साल 1927 में पीरपैती में अंग्रेजी अस्पताल की शुरुआत हुई और डॉक्टर यमुना प्रसाद सिंह को पीरपैती डिस्पेंसरी नामक इसी अस्पताल में नियुक्त कर दिया गया। साल 1928 में डॉक्टर साहब ने पीरपैती के लोगों को शिक्षित करने के इरादे से एके सिन्हा मिडिल इंग्लिश स्कूल की शुरुआत की और अच्छी तालीम को ध्यान में रखकर जानकार शिक्षकों को नियुक्त किया। साल 1932 में डॉक्टर यमुना को एक बार फिर सबौर अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन इस अस्पताल में 2 साल की सेवा देने के बाद इन्हें एक बार फिर साल 1934 में पीरपैती डिस्पेंसरी वापस बुला लिया गया। अपने इलाके के लोगों को शिक्षित करने का डॉक्टर साहब ने जो बीड़ा उठाया था उसे एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर इन्होंने साल 1938 में हाई स्कूल का निर्माण करवाया जिसका नाम बाद में शेरमारी हाई स्कूल रखा गया। इधर सबौर के चंदेरी गांव स्थित चंदेरी प्राइमरी स्कूल के एक शिक्षक अक्सर डॉक्टर साहब से मिलने आते। मुलाकात के क्रम में मास्टर जी ने डॉक्टर साहब से उनके पुत्र दिलीप कुमार सिंह का पाठशाला में नामांकन करवाने का अनुरोध किया और फिर 6 साल की उम्र में दिलीप ने पाठशाले से अपनी पढ़ाई आरंभ की। दिलीप अपने कंधे पर कपड़े का बैग, हाथों में चटाई और स्लेट पेंसिल लिए प्रतिदिन अपने घर से 1 किलोमीटर पैदल चलकर पाठशाला जाते और खूब दिल लगाकर पढ़ाई करते। साल 1934 में दिलीप का नामांकन 4th कक्षा में एके सिन्हा एमई स्कूल में हुआ और फिर साल 1939 में इन्होंने जिला स्कूल भागलपुर का रुख किया और पढ़ाई के प्रति अपनी लगन और परिश्रम की बदौलत अपने शिक्षकों का ध्यान अपनी ओर खींचा और दिलीप के गुणों को देखते हुए इन्हें स्कूल मॉनिटर बनाया गया। हिंदी फिल्मों में दिलीप की खासी रुचि थी और इसी साल 1939 में इन्होंने अपने जीवन की पहली फिल्म ब्रांडी का बोतल देखी और इस फिल्म का प्रसिद्ध गाना मोरा बोतल वाला बलमा इनके जहन में उतर गया। मोरा बोतल वाला बलमा, तोरा बोतल वाला बलमा, मोरा सोने का चल्ला क्यों गए घुमाया दे, मोरा बोतल वाला बलमा, तोरा बोतल वाला बलमा, छोड़ा है कल से रानी पीने पर पानी, हाँ पीने पर पानी, हाँ पीने पर पानी। 4 भाइयों और 5 बहनों में सबसे बड़े दिलीप ने साल 1943 में जिला स्कूल भागलपुर से मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर इसी साल भागलपुर स्थित TNJ कॉलेज यानी तेज नारायण जुबली कॉलेज में दाखिला लिया। इस दौर में फिल्मों और ड्रामा के शौकीन दिलीप ने कॉलेज में चुनाव लड़ा और कॉलेज प्रशासन द्वारा ड्रामेटिक सेक्रेटरी भी बनाए गए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बड़े भाई और भारत सरकार में रेल मंत्री रहे ललित नारायण मिश्रा उन दिनों TNP कॉलेज भागलपुर के छात्र और दिलीप कुमार सिंह से 2 साल सीनियर हुआ करते थे। लंबे वक्त से ललित ही कॉलेज में संचालित मेस के प्रबंधक थे, लेकिन कॉलेज के छात्रों के विशेष अनुरोध पर दिलीप ने मेस प्रबंधक के लिए ललित के खिलाफ चुनाव लड़ा और विजयी हो मेस सचिव बने। 1 वर्ष के सेक्रेटरी काल में दिलीप को 21 रुपए की बचत हुई और अपने सहपाठी सुशील को साथ ले घूमने के इरादे से ये कलकत्ता पहुंचे। एक शाम चौरंगी से गुजरते समय दिलीप की नजर पैन अमेरिकन के भव्य कार्यालय और वहां रखे एक छोटे से हवाई जहाज पर पड़ी और उसे पास जाकर वो देखने लगे। साधारण कुर्ता पैजामा धारण किए दिलीप के पास खड़े एक अंग्रेज ने गुस्से में दिलीप को अपमानित करते हुए बाहर ले जाकर सड़क पर धक्का दे दिया।
इस घटना से आहत दिलीप ने मन ही मन प्रण किया कि वो एक दिन विश्व के सभी हवाई जहाजों पर बैठ दुनिया की सैर करेंगे। किसी तरह दिलीप ने खुद को संभाला और अपने दोस्त सुशील के साथ आगे बढ़े और एक विशाल घड़ी की दुकान चार्ल्स एब्रेक्ट को देखकर उनके पांव वहीं रुक गए। कॉलेज के छात्र दिलीप के पास घड़ी नहीं थी, ऐसे में आकर्षक ओमेगा घड़ियों को पास से देखने और छूने की चाहत उन्हें दुकान के अंदर ले गई, लेकिन यहाँ भी इन्हें एक अंग्रेज दुकान मालिक द्वारा एक बार फिर अपमानित होना पड़ा। साल 1942 का वो दिन जिसे पीरपैती के लोग आज भी याद कर सिहर उठते हैं। इसी साल पीरपैती के शेरमारी हाट पर जालियांवाला बाग कांड की पुनर्वृत्ति हुई, जब किसी ने ब्रिटिश सिपाहसालार टॉमी को इसकी सूचना दी कि शेरमारी हाट पर स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर कुछ कांग्रेसी यहां मीटिंग करने वाले हैं। आनन फानन में ब्रिटिश सैनिक शेरमारी पहुंचे और हाट पर लगी लोगों की भीड़ को मीटिंग समझ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा की गई इस कार्यवाही में दर्जनों लोग मारे गए और बड़ी संख्या में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस पूरी घटना को डॉक्टर यमुना प्रसाद सिंह के पुत्र दिलीप कुमार सिंह ने अपनी आंखों से देखा और घायलों को अपने पिता के अस्पताल पहुंचाने में मदद की। डॉक्टर सिंह की देखरेख में घायलों का समुचित इलाज होता रहा, लेकिन इस घटना से आहत डॉक्टर वाईपी सिंह ने गोरों का विरोध करते हुए सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे दिया और अपने निजी प्रैक्टिस की शुरुआत की। साल 1945 में डॉक्टर यमुना सिंह की पत्नी निर्मला का निधन हो गया और पूरा परिवार शोक में डूब गया। बदलते वक्त के साथ डॉक्टर यमुना प्रसाद सिंह के सालों और उनकी पत्नी स्वर्गीय निर्मला देवी के भाइयों का ससुराल पक्ष भी पूरे देश में चर्चित रहा। डॉक्टर साहब के बड़े साले गोस्त हरि सिंह का विवाह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के बड़े संपन्न जमींदार परिवार में हुआ था। गोस्त हरि सिंह की दो सालियां भी थी, जिनमें पहली की शादी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के विख्यात काला कांकर रियासत के राजा और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश सिंह के भाई कुंवर ब्रजेश सिंह के साथ हुई थी। कुंवर ब्रजेश सिंह करीब एक दशक तक मॉस्को में स्टालिन के साथ रहे और स्टालिन की इकलौती संतान श्वेतलाना से शादी कर ली। श्वेतलाना के पिता जोसेफ स्टालिन रूस के तत्कालीन चर्चित नेता लेनिन के न केवल सहयोगी थे, बल्कि सोवियत संघ के चर्चित नेता होने के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति भी। साल 1967 में कुंवर ब्रजेश सिंह की मृत्यु के उपरांत श्वेतलाना ने तय किया कि वो उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार भारत में ही करेंगी और फिर वो अपने पति के अस्थि कलश को गंगा में प्रवाहित करने के इरादे से हिंदुस्तान पहुंची। हिंदुस्तान पहुंचकर वो लंबे समय तक अपने ससुराल में रही और यहीं बस जाना भी चाहती थी, लेकिन भारत में उन्हें रुकने की अनुमति नहीं मिली और उन्हें वापस जाना पड़ा। गोस्त हरि सिंह की छोटी साली का विवाह नेपाल के राणा बब्बर शमशेर के दूसरे पुत्र राणा ब्रह्म शमशेर के साथ हुई थी। राणा बब्बर शमशेर नेपाल के सेनाध्यक्ष होने के अलावा नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहन शमशेर के छोटे भाई भी थे। इधर साल 1946 में डॉक्टर साहब के पुत्र दिलीप कुमार सिंह ने TNJ कॉलेज भागलपुर से अपनी पढ़ाई पूरी कर पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और दो महीने चले क्लास के बाद यहां के कई छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जिनमें दिलीप भी एक थे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल करण चाहते थे कि कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स यानी प्रशासनिक मामलों में भी कॉलेज के छात्रों की भागीदारी हो। ऐसे में इसी साल कॉलेज में चुनाव हुए और इस चुनाव में जीत हासिल कर दिलीप दरभंगा मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी स्टूडेंट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बने। यह वो दौर था जब हिंदुस्तान अंग्रेजों से अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा था और देशवासी आज़ाद हिंदुस्तान के मुहाने पर खड़े हो एक नई सुबह का इंतजार कर रहे थे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान दिलीप को कई बार
राज दरभंगा के प्रसिद्ध महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह से भी मिलने का अवसर मिला। उन दिनों में राज दरभंगा द्वारा कामेश्वरी प्रिया पुअर होम के नाम से संचालित एक ट्रस्ट द्वारा आंखों की सर्जरी की व्यवस्था देश के प्रख्यात आई सर्जन डॉक्टर मथुरा दास पहवा के नेतृत्व में की गई थी, जिनमें बिहार उत्तर प्रदेश के अलावा बड़ी संख्या में मरीज नेपाल से भी आते थे। महाराजा कामेश्वर सिंह दिलीप के कामों और विचारों से काफी प्रभावित थे और वो चाहते थे कि डॉक्टर पहवा के साथ रहकर वो कुछ काम सीखें और ट्रस्ट के कामों की समीक्षा भी करें। दिलीप ने महाराजा की भावनाओं को समझा और जब तक वो दरभंगा में रहे तब तक डॉक्टर पहवा और दूर दराज से आए मरीजों को इलाज में सहयोग करते रहे। अपने दरभंगा प्रवास के दौरान एक दिन दिलीप को जानकारी मिली कि उनके पिता डॉक्टर यमुना प्रसाद सिंह को उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। इस खबर से परेशान दिलीप यह बात अच्छी तरह जानते थे कि ब्लड प्रेशर की कोई दवा नहीं है। करीब 2 साल तक डॉक्टर यमुना पटना मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य और प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर टी एन बनर्जी के इलाज में रहे। साल 1945 के आसपास दिलीप ने 1940 में रिलीज हुई अशोक कुमार अभिनीत फिल्म बंधन देखी और इसके बाद कभी कोई फिल्म देखने ये सिनेमाघर नहीं गए। जी मिल गया आपका मतलब मैं। इधर आजादी के परवानों की संघर्ष रंग लाई और साल 1948 में भारत पूरी तरह से आजाद हो गया। इस खबर के कुछ ही महीने बाद दिलीप और उनके कई सहपाठियों को पुनः पटना मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया और अप्रैल 1952 में दिलीप ने PMCH से MBBS की डिग्री हासिल की और डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह के नाम से अपनी एक अलग पहचान बनाई। जानकार बताते हैं कि साल 1952 से पूर्व मेडिकल की उच्च शिक्षा ग्रहण करने के इरादे से डॉक्टर्स इंग्लैंड जाया करते थे, अमेरिका नहीं। उन दिनों में IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के विख्यात नेता और दिल्ली के प्रख्यात रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर SC सेन ने भारत के चिकित्सकों को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की सलाह दी। इस क्रम में डॉक्टर सेन द्वारा अमेरिका के चिकित्सीय संगठनों से भारत आकर योग्य डॉक्टरों के चयन की भी अपील की गई, जिसे अमेरिका द्वारा स्वीकार कर लिया गया। कुछ ही वक्त बाद अमेरिका के विभिन्न अस्पतालों से आए उनके निदेशकों द्वारा भारत के चिकित्सकों का IMA हाउस दिल्ली में इंटरव्यू किया गया और साल 1952 में जिन चिकित्सकों का अमेरिका में पढ़ाई के लिए चयन हुआ उनमें डॉक्टर AKN सिन्हा, डॉक्टर शारदा प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर पांडे अजय शंकर सहाय और डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह का नाम शामिल था। उन दिनों पिता गंभीर रूप से बीमार थे, ऐसे में दिलीप कुमार सिंह ने अमेरिका जाने का अपना फैसला बदल पिता की देखभाल करने का फैसला लिया। उनके तीनों मित्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने अमेरिका रवाना हो गए, जिनमें बाद के कई सालों में डॉक्टर AKN सिन्हा IMA कॉमनवेल्थ और विश्व मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी उभरे। इधर निरंतर चल रहे पिता के इलाज से निराश डॉक्टर दिलीप अपने पिता को साथ ले कलकत्ता पहुंचे और देश के प्रख्यात चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर BC रॉय यानी विधान चंद्र रॉय से इलाज शुरू करवाया। लगातार चल रहे पिता के इलाज के दौरान दिलीप उस वक्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर BC राय के करीब आए और उनके आवास पर रहते हुए उन्हें उनके कामों में सहयोग भी करने लगे। इधर लंबे चले इलाज के बाद 13 अक्टूबर 1953 को डॉक्टर यमुना प्रसाद सिंह का स्वर्गवास हो गया और परिवार के साथ साथ पूरा पीरपैती शोक में डूब गया। पिता की मौत के बाद घर में सबसे बड़े होने के कारण पूरे परिवार की जिम्मेवारी अब दिलीप के कंधों पर थी। ऐसे में उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों को समझते और अपने पिता से किए वायदों को निभाते आने वाले एक दशक में न केवल अपने 5 बहनों की शादी की बल्कि अपने 3 भाइयों को भी उनके पांव पर खड़ा कर दिया। कि अगर ये परफेक्ट गार्जियन ना होते तो मैं आज इस स्तर पर नहीं होता। सब उन्हीं का देन है। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मेरे भाई ने
हम सब भाई बहनों की बहुत अच्छी परवरिश की। पिता तुल्य उन्होंने सबको देखा, पढ़ाया लिखाया, सब बहनों की शादी की। बहुत अच्छा परिवार का बोझ उन पर बहुत ज़्यादा था, उन्होंने सबको बड़ी अच्छी तरह से निभाया और शादी भी अपनी की। और भाभी जी भी हमारी जो आए वो भी बिल्कुल माता तुल्य रहीं, बहुत अच्छा हम लोगों को देखा, परवरिश किया बहुत अच्छे से। बचपन में ही हमारे माता पिता गुजर गए थे, मैं तो बहुत ही छोटी थी, 9 साल की थी। माता का देहांत हो गया, फिर पिता के देहांत 16-17 साल हो गया। भाई भी हमारे छोटे ही थे, हम तो ऐसा कहेंगे 24-25 साल की उम्र आजकल कुछ भी नहीं होती है। इस उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाली, हम सब भाई बहनों की पढ़ाया लिखाया, सबकी शादी ब्याह भी की उन्होंने। और उनका व्यक्तित्व बहुत महान है, इतने अच्छे घर में उनका विवाह हुआ। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उन्होंने केवल हम लोगों के लिए ही नहीं, बाहर भी अपने प्रोफेशनल फील्ड में उन्होंने बहुत काम किया, ये तो लोग जानते ही हैं। उन्होंने किताब भी लिखी है अपनी, ऑटोबायोग्राफी उन्होंने सब कुछ लिखा है। तो बहुत कुछ किया उन्होंने अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए, जहाँ वो रहते हैं वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया। एंड ही इज प्रेज़वर्दी फॉर दैट। काफ़ी कुछ मेडिकल साइंस के ऊपर जो भी मुझे पता लगा है और जो भी मैं जानता हूँ, बहुत काम किया है। बहुत सोशल सर्विस जो है मेडिसिन के साथ साथ उन्होंने बहुत दी अपने उस एरिया में। एंड ही हैज डन लॉट ऑफ सर्विसेज, सिर्फ जनरल फिजिशियन के हिसाब से नहीं, आईज वगैरह ये सारा का सारा जो है पीरपैंती के उस एरिया में काफ़ी कुछ किया। और आज भी ही स्टिल अटेंड्स टू द पेशेंट्स एट दिस राइप एज। हैज डन ए ह्यूमन सर्विस टू द पीपल, इसमें दो राय नहीं है। एंड ही इज़ वेरी वेरी सोशल and very well connected to the grassroots chaps. बहुत ही प्यारा व्यक्तित्व है उनका, और मामी जी का भी बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ रह करके। 2-3 घंटे ही रुके, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उनसे बात किया हमने और उनके बारे में पता लगा किस तरह से वो पेशेंट्स को वहाँ पे देखते थे, कैसे उन्हें हॉस्पिटल बनाया, कैसे पीपैती में जब कोई नहीं था ही वॉज द ओनली डॉक्टर, और वहाँ पे वो कई लोगों को फ्री भी देखते थे। कभी भी उन्होंने पैसे के लिए कभी सेवा नहीं की, डॉक्टरी नहीं की, उन्होंने हमेशा लोगों का दुख दूर करने के लिए उनकी सेवा की। उनकी बहुत अच्छी यादें मेरे साथ हैं उनकी, और मैं चाहूँगी कि वो ज़्यादा टाइम तक रहें और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें। जब हम बनारस में थे तो उनको फूलों का बहुत शौक़ है, तो वो हमको हमसे बहुत सारे गुलाब बनारस से मंगवाए थे, और अभी आम भी कह रहे थे कि अभी हमको वहाँ का लंगड़ा आम भेजो। और मतलब उनकी मतलब पेशेंट के साथ ही क्या, उनके साथ भी मतलब फूलों पौधों के साथ भी उनका लगाव बहुत अच्छा है, और वो बहुत जिंदा दिल इंसान है। पिता की मृत्यु से 1 साल पूर्व ही डॉक्टर दिलीप सिंह ने पीरपैती से अपने निजी प्रैक्टिस की शुरुआत कर दी थी। उस दौर में वो प्रतिदिन अपने घोड़े से मरीजों को देखने जाते और फिर अपने घर स्थित क्लिनिक में रखे लालटेन की रोशनी में प्रैक्टिस करते। साल 1953 में पीरपैती, भागलपुर, नारायणपुर, बिहपुर और नौगछिया आदि इलाकों में कॉलरा फैला। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने इस बीमारी से लड़ने की ठानी और दवाओं को साथ ले पीड़ित परिवारों के बीच जा पहुंचे। डॉक्टर सिंह ने न दिन देखी न रात और 24 घंटे इस भयानक बीमारी से लगातार लड़ते रहे। और इस दौरान एक ऐसा भी वक्त आया जब भागलपुर के तत्कालीन सिविल सर्जन ने इन्हें अन्य प्रखंडों को भी संभालने का अवसर दिया। लगातार हो रहे इलाज के कारण इधर कॉलरा दम तोड़ रहा था और उधर डॉक्टर दिलीप की ख्याति परवान चढ़ रही थी। ऐसे में अखबारों में छाए डॉक्टर दिलीप की ख्याति अपने राज्य और देश की सीमा पार कर विदेशों तक फैल गई। साल 1954 में डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने अपनी 2 बहनों की शादी करवाई और इसी सिलसिले में उनका आगरा जाना भी हुआ था।
आगरा में डॉक्टर दिलीप सिंह की मुलाकात जयपुर चित्तौड़ा स्टेट के प्रसिद्ध जमींदार राय बहादुर ठाकुर कर्नल देवी सिंह जी से हुई और उन्होंने डॉक्टर साहब को जयपुर आने का न्योता दिया, लेकिन किसी कारणवश वो ठाकुर साहब से मिलने नहीं जा सके। साल 1955 के दिसंबर माह में डॉक्टर दिलीप अपने बहनोई डॉक्टर राम सागर सिंह को साथ लेकर IMA के एनुअल मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने जयपुर पहुंचे और ठाकुर देवी सिंह जी से उनके घर पर उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान ठाकुर देवी सिंह जी ने अपनी तीसरी पुत्री रूप कुमारी से डॉक्टर दिलीप सिंह का परिचय करवाया और फिर बातों ही बातों में रिश्ते की बात आगे बढ़ी। रूप कुमारी की शुरुआती शिक्षा सोफिया स्कूल अजमेर में हुई और फिर आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने जयपुर के महारानी गायत्री देवी पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया और यहीं से पढ़ाई को विराम दिया। सोफिया स्कूल में रूप कुमारी की खास सहेली सीता देवी भी साथ पढ़ती थी और काफी आगे जाकर इनका विवाह विश्वनाथ प्रताप सिंह से हुआ, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। चित्तौड़ा स्टेट घूमने के दौरान दिलीप सिंह को पता लगा कि चित्तौड़ागढ़, वहां का विशाल किला और किले में लगी विशाल तोप का निर्माण राय बहादुर ठाकुर कर्नल देवी सिंह जी ने ही करवाया था। Our dear Jamai Raja, and he is a very lovable person, he is a very qualified doctor, he is an all-rounder, he is specialized in being all-rounder. He runs his clinic and he's become quite famous. He runs this charity treatment for people. He holds a sort of a eye treatment for a short period when free treatment is given to all people over there, poor people and all that. He has visited, attended various seminars in USA and England. So he is fully knowledgeable, qualified, and he is thorough in his profession. 7 March 1956, स्थान जयपुर, राजस्थान। इसी दिन डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह पीरपैती से अपने साथ बारातियों को लेकर जयपुर पहुंचे। ठाकुर देवी सिंह जी की अगुवाई में बारातियों का भव्य स्वागत हुआ और जयपुर के मशहूर होटल खासा कोठी में बारातियों के ठहरने का इंतजाम। शादी के सभी रीति रिवाज राजस्थानी परंपरा के अनुसार थे, यानी दूल्हे के सिर पर साफा, सिर पर पेंच और हाथों में सोने की मयान वाली तलवार के साथ सजे हुए हाथी पर सवार दूल्हा। राजस्थानी रिवाजों के मुताबिक दूल्हे को विवाह स्थल में प्रवेश करने से पूर्व हाथी पर बैठे बैठे अपनी तलवार की नोक से दरवाजे के तोरण को छूना होता है। डॉक्टर दिलीप ने जब ऐसा किया तब उनके तीसरे साले कर्नल महेंद्र सिंह ने डॉक्टर साहब को हाथी से नीचे उतारा। इस शाही शादी में राजस्थान के कई प्रमुख ठिकानेदार, रियासतदार और जागीरदारों की मौजूदगी में डॉक्टर दिलीप के सभी 6 साले कर्नल सुमेर सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शेर सिंह, कर्नल महेंद्र प्रताप सिंह, कर्नल रघुवीर सिंह, दशरथ सिंह और मनधाता सिंह ने बारातियों का भव्य स्वागत किया। इस भव्य शादी समारोह में जयपुर के महाराजा मान सिंह और उनकी पत्नी महारानी गायत्री देवी भी वर वधु को अपना आशीर्वाद देने पहुंचे, साथ ही साथ कूच बिहार के महाराजा और महारानी गायत्री देवी के भाई भी आकर्षण का केंद्र रहे। दरअसल महाराजा मान सिंह के पिता स्वर्गीय महाराजा माधो सिंह जी की 5वीं पत्नी डॉक्टर दिलीप सिंह की सास जसवंत कुंवर की अपनी बुआ थी। 5वीं महारानी से कोई संतान न होने के कारण उन्होंने रूप कुमारी की माँ जसवंत कुंवर को गोद ले रखा था। ऐसे में डॉक्टर दिलीप सिंह की सास और जयपुर के महाराजा मान सिंह के बीच भाई बहन का न केवल रिश्ता था, बल्कि दोनों जयपुर के सिटी पैलेस में एक साथ पले पढ़े और जसवंत कुंवर की शादी भी सिटी पैलेस से ही हुई थी। लंदन में जन्मी जयपुर की महारानी गायत्री देवी बाद के वर्षों में राजनीति में सक्रिय हुई और जयपुर लोकसभा सीट से लगातार 4 बार विजयी हुई। Is more like a friend. I've been able to
established. Though I am the youngest in the family, and despite the age difference of, I think, 10 years or 12 years, we contacted and we established a rapport like true friends. Similarly, with other brothers also, I had the good fortune on coming on terms and being friendly. Even till now, we used to joke and talk about when he went to States, I went to where he went and all that. I found it very, very interesting. And as I say that, apart from being my brother-in-law, Josiah used to call him, he considered me as a friend. For me, personally, he's been a man of great strength for me, especially when my father was not very well. And he's always been somebody we've all looked up to, the entire family, an absolute gentleman, and a very, very strong human being who everybody went to and everybody looked up to and went for help. Extremely gentle and a very, very nice person. बहुत ही इतने नेक इंसान हैं, इतने भले इंसान हैं कि बहुत कम मिल सकते हैं ऐसे लोग. और मुझे वाकई में बहुत खुशी है कि ऐसे इंसान हमारे परिवार में हैं, हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ हैं. और हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं. उनकी उम्र बहुत लंबी हो, स्वस्थ रहें और खुश रहें. डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह काफ़ी नेक, डेडिकेटेड और कर्मठ व्यक्ति रहे हैं. अपने डॉक्टरी के अलावा उन्होंने काफ़ी सोशल वर्क और समाज सेवा की है, जिससे है कि जहाँ ये रहते हैं उसके आसपास इन्होंने काफ़ी यश और कीर्ति प्राप्त की है. एक सीधे सज्जन और सच्चे दिल से ये 100% कमिटमेंट के साथ हर काम को पूरा करते हैं. नाना जी बचपन से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मेल फिगर हेड रहे हैं पूरे घर के लिए. आई थिंक सबने किसी न किसी तरह से उनकी तरह बनना चाहा. उन्होंने जैसे जो जो नाम, जो पैसा, जो शोहरत कमाई है वो तो है, बट जितना प्यार उन्होंने कमाया वो आज सबको सब के सामने था देखने के लिए. जितने लोग आए थे सिर्फ उनसे दूर दूर से बस मिलने के लिए, देखने के लिए. आई थिंक इससे बड़ा टेस्टिमनी कोई हो नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता कि उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या कमाया है. नाना जी एंड नानी माँ दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं मेरे दिल में. ये इसका देयर इज़ ओनली वन रीज़न दैट वॉट एवर लव एंड अफेक्शन आई हैव got from them, you know, that's second to no one, not even my parents. I was born in Bhagalpur, and I was, for the first 4 years of my life, I spent my first 4 years with them. Nana ji ki sabse achhi baat ye lagti hai ki wo bahut hi humble hain. Unko koi bhi airs nahi hai. Jo jis mukam pe wo pahunch gaye hain, unka koi unko is baat ki ghamand nahi hai. मेरे लिए वो हमेशा से एक फादर फिगर रहे हैं एंड हमेशा मुझे सपोर्ट किया है हर मामले में, चाहे वो करियर एडवाइस हो चाहे कुछ भी हो. एंड जिस तरह से उन्होंने फैमिली को समेट के रखा है और हर मेंबर को इतना प्यार और अफेक्शन दिया है, वो आज हम लोग सब देख सकते हैं. एंड बहुत स्पेशल हैं नाना जी मेरे लिए और हम सब के लिए, बिकॉज ऑफ द पर्सन ही इज़. साल 1957, डॉक्टर दिलीप सिंह और रूप कुमारी के घर लक्ष्मी का आगमन हुआ और नाम पड़ा रागिनी. इसके अगले ही साल यानी 1958 में एक बार फिर खुशियों ने दरवाजे पर दस्तक दी और नन्हे बालक का जन्म हुआ, नाम पड़ा संजय. लंबे समय तक पारिवारिक उलझनों में उलझे डॉक्टर दिलीप को विदेशों में उच्च शिक्षा हासिल न कर पाने का गम सालता रहा. और फिर 12 साल तक पढ़ाई से दूर रहे दिलीप ने एक दिन आगे की पढ़ाई करने की ठानी और अमेरिकन एंट्रेंस यानी ECFMG की तैयारियों में जी जान से
जुट गए। साल 1963 में घर में एक बार फिर बेटी के रूप में लक्ष्मी का आगमन हुआ और नाम पड़ा शशि। साल 1964 में डॉक्टर दिलीप सिंह ECFMG की परीक्षा में शामिल हुए और सफल भी। उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए डॉक्टर दिलीप ने न्यूयॉर्क शहर के माउंट बर्नर अस्पताल का चयन किया और यात्रा की तैयारी शुरू की। इसी साल दिल्ली के IMA मुख्यालय से आए एक पत्र द्वारा डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को सूचना दी गई कि इंग्लैंड के ईस्टबोर्न में आयोजित विश्व दमा कॉन्फ्रेंस में भारत के अकेले प्रतिनिधि के तौर पर उनका चयन किया गया है। अपने मासूमों की देखभाल परिजनों पर छोड़ पत्नी को जल्द अपने पास बुलाने की बात कहे डॉक्टर सिंह ने 1965 में कलकत्ता से पैन अमेरिकन जहाज पर सवार हो इंग्लैंड के लिए उड़ान भरी और विश्व दमा कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से आए प्रतिनिधियों के साथ इन्होंने शिरकत की और अपने देश का मान बढ़ाया। लंदन में कुछ दिन रुककर डॉक्टर सिंह ने न्यूयॉर्क का रुख किया और माउंट बर्नर अस्पताल से इन्होंने अपनी पढ़ाई और काम की शुरुआत की। इधर कुछ ही महीने बाद रूप कुमारी पति के पास अमेरिका पहुंची और उधर अक्टूबर 1965 में डॉक्टर दिलीप की ट्रेनिंग समाप्त हुई और इन्होंने माउंट बर्नर अस्पताल छोड़ न्यूयॉर्क शहर के दो अलग अलग अस्पतालों में ट्रेनिंग आरंभ की, जिनमें अस्पताल की छत पर हेलीपैड के लिए विख्यात पेनिनसुला जनरल अस्पताल भी शामिल था। दिसंबर 1965 में अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर सिंह न्यूयॉर्क से कनाडा स्थित मॉन्ट्रियल पहुंचे और मैकगिल यूनिवर्सिटी से शिशु रोगों से संबंधित प्रशिक्षण हासिल किया। इसी साल कनाडा से पति पत्नी वापस न्यूयॉर्क लौटे और डॉक्टर दिलीप ने न्यू ब्राइटन स्थित लिवरपूल ट्रॉपिकल स्कूल ऑफ मेडिसिन से पढ़ाई की शुरुआत की और प्रतिदिन ट्रेन द्वारा न्यू ब्राइटन से लिवरपूल स्कूल आते जाते रहे। अप्रैल 1966 में डॉक्टर सिंह ने DTMH की परीक्षा पास की और अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, डबलिन, पेरिस और जिनेवा की यात्रा पर निकले। सिंह दंपत्ति लंबे अरसे से पीरपैती से दूर थे, लेकिन अपने बच्चों की यादें हर पल इनके साथ थी। ऐसे में दोनों अक्सर बच्चों की एक झलक पाने को बेचैन हो उठते। इस लंबी अवधि में लगातार अपने परिवार के संपर्क में रहने के कारण पीरपैती और अपने घर के सदस्यों की पूरी जानकारी सात समंदर पार तक पहुंच रही थी और पति पत्नी अपने बच्चों से मिलने को बेताब थे। छात्र जीवन में कलकत्ता यात्रा के दौरान अपमानित होने पर लिया गया डॉक्टर सिंह का संकल्प दुनिया की सैर करके तो पूरा हो ही रहा था। इसी क्रम में ओमेगा घड़ी की पुरानी बात याद आते ही डॉक्टर दिलीप जिनेवा स्थित ओमेगा घड़ी की फैक्ट्री पहुंचे और अपने समय की प्रसिद्ध सॉलिड सिल्वर ओमेगा क्रोनोमीटर को खरीद अपनी कलाई पर बांध लिया। चिकित्सक होने के नाते डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कामों से काफी प्रभावित थे और लंबे समय से उनकी इच्छा इस संगठन से जुड़कर काम करने की भी थी। जिनेवा में इस संगठन का मुख्यालय है, ऐसे में अपनी यात्रा के बीच थोड़ा वक्त निकाल डॉक्टर साहब संगठन के डायरेक्टर जनरल कंडाव से मिले और अपनी चाहत से उन्हें अवगत कराया। कुछ मिनट की मुलाकात में ही कंडाव डॉक्टर सिंह से प्रभावित हुए और इन्हें ब्राजील में काम का ऑफर दिया। डॉक्टर दिलीप के लिए ब्राजील जाकर काम करना संभव ना था, ऐसे में इन्होंने अपनी लाचारी जाहिर करते हुए डायरेक्टर जनरल कंडाव से नेपाल, म्यांमार या श्रीलंका भेजने का अनुरोध किया, लेकिन बात नहीं बनी और डॉक्टर सिंह ने इस ऑफर का त्याग करना ही बेहतर समझा। लंबी विदेश यात्रा के दौरान पत्नी रूप कुमारी की इच्छा स्विट्जरलैंड के अल्पास पहाड़ियों के सैर की भी थी। ऐसे में दोनों कई दिनों तक स्विट्जरलैंड और फ्रांस की खूबसूरत पहाड़ियों की सैर करते रहे। कुछ दिनों बाद दोनों वेटिकन सिटी देखने रोम पहुंचे और इटली में एक सप्ताह व्यतीत कर मिस्र के लिए प्रस्थान किया और पिरामिड देखने काहिरा पहुंचे। पिरामिड को अपने सामने देख स्कूल के दिनों में पढ़ाए गए इतिहास के पन्ने परत दर परत पलट रहे थे और अतीत अपनी कहानी खुद में समेटे काफी कुछ बयां कर रहा था। डॉक्टर सिंह दंपत्ति को विदेश यात्रा पर निकले अब 13 महीने पूरे होने को थे। ऐसे में अपनी यात्रा को विराम देते हुए दोनों बंबई और कलकत्ता के रास्ते पीरपैती पहुंचे
और गांव के लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया। 12 साल बाद कलम उठाने वाले डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने यूरोप और अमेरिका तक की यात्रा कर आखिर यह सिद्ध किया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साल 1967, खुशियों ने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी और सिंह दंपत्ति के घर लक्ष्मी के रूप में बेटी का आगमन हुआ और नाम पड़ा नंदनी। साल 1971 में दिल्ली के IMA मुख्यालय से डॉक्टर दिलीप को एक पत्र मिला जिसमें अमेरिकन एकेडमी ऑफ जनरल प्रैक्टिस के अध्यक्ष द्वारा वैसे डॉक्टर्स को अमेरिका आमंत्रित किया गया जिनकी रुचि 7 जनरल प्रैक्टिस सेंटर को देखने की थी। डॉक्टर दिलीप मॉस्को और लंदन के रास्ते अमेरिका पहुंचे और शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, फिलाडेल्फिया, पिट्सबर्ग जाकर फैमिली प्रैक्टिस के तौर तरीकों को देखा और वहां की सभ्यता संस्कृति से दो चार हुए। कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म पीरपैंती में हुआ और मुझे ऐसे पिता मिले जो जिन्होंने मुझे तराशा है, मेरा मार्गदर्शन किया है। अभी भी वो रोज सुबह फ़ोन करते हैं, हमारा हालचाल लेते हैं, जबकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास समय नहीं रहता है, पर उनका फ़ोन ज़रूर आता है और हमेशा ही वो हम लोगों को अच्छी बात बताते हैं। हम मुश्किल के समय में एक बहुत बड़ा सहारा होता है, जो भी वो बताते हैं तो हम लोगों के लिए एक अच्छी सोच, एक अच्छा विचार वो हमेशा रखते हैं हमारे बीच। एंड ही वॉज सक्सेसफुल इन एवरीथिंग दैट ही डिड। आई हैव गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माई फादर। आई नो कितने हार्डशिप से उन्होंने काम किया है और वो जिस मुकाम पे पहुँचे हैं वो सब उन्होंने अकेले खुद मेहनत से किया है। मैं अपने फादर को बहुत आइडियलाइज करती हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितने जो काम किया है वो मैं आगे भी उनके इंस्पिरेशन से आगे करना चाहती हूँ। वही सारी क्वालिटीज़ मैं अपने बच्चों में भी इम्बाइब करना चाहती हूँ ताकि वो लोग भी उन्हीं के तरह आगे जो भी काम करें उसमें फोकस्ड रहें। एक तो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि बहुत डिसिप्लिन्ड थे अपने लाइफ में और आज तक वो मेंटेन करते आ रहे हैं, जिसके लिए जब तक आप फोकस नहीं होंगे लाइफ में तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। और वो सबसे बड़ी उनकी क्वालिटी रही है, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं और वो सब चीज़ें देखते हुए हम लोगों ने लाइफ को जीना सीखा है। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मेरी मदर का सबसे बड़ा योगदान ये रहा है कि जो भी मेरे फादर ने किया है उसमें उन्होंने हमेशा सहयोग दिया है। वो एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे नहीं, बहुत अच्छे अच्छे वेरी 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 गुड डॉक्टर हैं। जो भी उनसे बात किया मैंने उससे ऐसा पता चलता है। और वो एक समाज सेवी भी हैं, बहुत समाज की सेवा करते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं, गरीबों के लिए काफ़ी उन्होंने किया है। पल्स पोलियो, लेप्रोसी का इलाज बहुत किया है। जिस ढंग से हमारे मामा जी ने पूरी लाइफ करी है ये बहुत ही मैं तो कंपेयर कर रही हूँ जैसे मोदी जी लेक्चर देते हैं ऐसे ही मैं मामा जी को भी एक आइडल मानती हूँ। और हमारे यंगस्टर्स जो आज आए हैं वो भी ज़रूर सीखें अपने बड़ों से कि कैसे सबको एक साथ रखना चाहिए। एंड वैसे तो मेरी पैदाइशी उधर की है, पीरपैंती में हुई है और बचपन में मैं मामी के पास ही ज़्यादा रही हूँ तो हमारा बहुत अटैचमेंट है उनके साथ। हमारे मामा एक हेल्पफुल आदमी हैं जो गरीबों की दूसरों की बहुत मदद करते हैं। और उन्होंने कई एक तो आई कैंप चलाया था नाना जी के नाम से, यमुना प्रसाद आई कैंप करके पीरपैंती में ही एक छोटा सा गांव है वहां चलाया उन्होंने। फिर एक स्कूल भी खुला था और बाद में उसके बारे में तो हम लोग को पता नहीं, पर हम लोगों ने सुना है कि पोलियो वैक्सीनेशन में भी उन्होंने बहुत काम किया। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों पर एक नज़र। साल 1953 में मुंबई के परेल स्थित
हैफकिन इंस्टीट्यूट से सांपों के काटने यानी सर्प दंश के इलाज की ट्रेनिंग हासिल की और कई मरीजों को मौत के मुंह से निकाला। बाद के कुछ सालों में न्यूयॉर्क के कुछ प्रमुख अखबारों में इससे संबंधित खबरों का प्रकाशन हुआ और खबरों में डॉक्टर सिंह छाए रहे। 60 के दशक में डॉक्टर सिंह लायंस क्लब से भी जुड़े और समाज सेवा के क्षेत्र में काफी काम किया। होम्योपैथी चिकित्सा पर डॉक्टर दिलीप का गहरा अध्ययन है। कई ऐसे मरीज जिन्हें एलोपैथी दवाओं से फायदा नहीं हुआ, वैसे मरीजों का उपचार डॉक्टर सिंह होम्योपैथिक पद्धति से आज भी करते हैं। साल 1954 से 74 तक पीरपैती के ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर सिंह ने निशुल्क लेप्रोसी क्लिनिक की शुरुआत की और इलाज के साथ मुफ्त दवाओं का वितरण भी किया। साल 1973 में आईएमए दिल्ली द्वारा जर्मनी में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन के 4 दिवसीय अधिवेशन में डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने शिरकत की। साल 1974 से 2008 तक लगातार 34 वर्षों तक डॉक्टर सिंह ने आंखों की रोशनी गंवा चुके मरीजों के मोतियाबिंद का सफल और निशुल्क ऑपरेशन करवाया और गरीबों के हमदर्द के रूप में सामने आए। डॉक्टर डी के सिंह ने डॉक्टर यमुना प्रसाद सिंह सेवा निधि के बैनर तले मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन में अपने समय के प्रख्यात आई सर्जन डॉक्टर बी के झा, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर गोपाल नंदन प्रसाद, डॉक्टर पिनाकी रंजन और डॉक्टर पी के राय की सहायता ली और आंखों के महत्व से लोगों का परिचय करवाया। साल 1983 में डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह द्वारा लेप्रोस्कोपिक विधि से निशुल्क बंध्याकरण की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन बिहार के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। आंखों के लिए भी जो इलाज करना, आंखों की कैंप लगाना, हमने अपनी तरफ से थोड़ा बहुत जो हो सका हमने अपने हिसाब से उनको कंट्रीब्यूशन दिया था और उसके लिए उन्होंने एक वहाँ पर हॉल भी बनाया जहाँ पर ये ऑपरेशन वगैरह भी करते थे। तो उसका नाम मेरे को पूछा क्या रखने का, मैंने नाम तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ, तो भी उन्होंने शांति के नाम पर, मेरे वाइफ का नाम शांति है, तो उन्होंने शांति के नाम पर वो हॉल बनाया हुआ है। मैं बहुत ही इनसे, इनकी लाइफ से मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है कि इस उम्र में भी आज भी वो कुछ ना कुछ पेशेंट देख ही रहे हैं। आज भी 25-30 पेशेंट डेली देखते हैं, तकरीबन 90 साल की उम्र है और बहुत एक्टिवली उन्होंने काफ़ी सेवा की है लोगों की। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो है हिंदुस्तान में बहुत ही कम मिलेंगे जिन्होंने ये लोगों की सेवा की हो। इन्होंने पोलियो का बहुत बड़ा काम किया था 80s में, जबकि कोई पोलियो का इलाज नहीं होता था। इन्होंने रशिया से वो दवाई मांगा के 3,500 बच्चों को पोलियो के वो ड्रॉप्स दिए थे। उसके बाद में गवर्नमेंट आगे आई और उसके बाद में ये आगे वो अभियान चला था। काफ़ी चीज़ें इन्होंने की है ऐसे ऐसे जिसके लिए मतलब कुछ भी कहा जाए तो बहुत ही कम होगा। हम चाहते हैं कि इनकी उम्र बड़ी होए और स्वस्थ रहें और सेवा करते रहें, वही हमारी प्रार्थना है। 7 दिसंबर 1980 में उन्होंने पोलियो वैक्सीन का वो करवाया था, का कैंप चालू करवाया था, फ्री वैक्सीन उन्होंने बंटवाए थे। करीब 1,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी गई थी और वो मेरे ख्याल वो उनका ये दावा है कि इससे पहले किसी ने ऐसा काम नहीं करवाया था। उन्होंने रशिया से लेकर के कहाँ कहाँ तक, उन्होंने रशिया से पहले वैक्सीन इम्पोर्ट करवाई कलकत्ता तक, कलकत्ता से उन्होंने बिहार में पटना में करवाई, पटना से उन्होंने अपने पास भिजवाई, उसका पूरा उन्होंने कितना काम किया है उनकी पूरी मैंने बुक पढ़ी है उसके ऊपर। तो वो इतना सब कुछ जानने के बाद मैं जब लोगों से मिलता हूँ और वो मुझे बोलते हैं कि तुम दिलीप कुमार सिंह के बेटे हो ना, तो मैं बोला नहीं मैं पोता हूँ उनका, तो तुम पोते हो, अच्छा बाप रे बाप, तो वो तुम बहुत बड़े आदमी हैं, तुम भी कुछ बड़ा करो। उनको उनको उनके बारे में सोच करके मुझे लगता है कि मैं इनका पोता हूँ। उसके बाद मुझे लगता है कि मैं अभी ऐसा क्या करूँ कि मैं इनके पोते होने के लायक बन पाऊँ। इंडिया में फर्स्ट डॉक्टर टू गिव फ्री पोलियो वैक्सीनेशन वो ही है, पर इसका कभी भी किसी ने ज़्यादा चर्चा की नहीं। वो तो हम लोगों ने उनको थोड़ा बढ़ावा दिया कि आपको इसके बारे में जानना, मतलब लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है जो कि रोज़ रोज़ नहीं देखी जाती है। चाहता हूँ कि इज़ अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट मी, नॉट जस्ट हिज
चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन बट टू एवरीबडी जिनके भी लाइफ में वो रहे हैं, वो बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं और जब तक रहेंगे और उनके बाद भी हमेशा हमारे लिए बहुत अच्छी इंस्पिरेशन रहेंगे। बहुत होशियार आदमी है, बहुत काबिल आदमी है, बहुत जितने आदमी हैं सबको देश भाग करते हैं, तुम बहुत उनके आधार का आधार है, बहुत काबिल है। ये एक अच्छे इंसान हैं और रूरल सेटअप पर एक डॉक्टर की सामाजिक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी ये जानते हैं और अपने पिताजी से इन्होंने बहुत कुछ इनहेरिट किया है। केवल दवा करके कमाना ये नहीं जानते बल्कि लोगों को गाइड भी करते हैं, उनको समझाते हैं, सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी निभाते हैं। साल 1984 की एक शाम जिसने डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह की जिंदगी को न केवल एक नया रास्ता दिखाया बल्कि आगे चलकर यही रास्ता मील का पत्थर साबित हुआ। दरअसल इस साल डॉक्टर सिंह पीरपैती के टंडवा एक मरीज को देखने पहुंचे जहां रास्ते में उनकी नजर 3 साल के एक बच्चे मोहम्मद सतवन पर पड़ी जिसका एक हाथ लकवा ग्रस्त था। डॉक्टर दिलीप मोहम्मद सतवन को साथ लेकर क्लिनिक आ गए और बच्चे का इलाज पेंसिलिन और बेरीन की सुइयों से शुरू किया। उस दौर में लकवे का उपचार इन्हीं 2 सुइयों के द्वारा किया जाता था। इस इलाके के कई बच्चों में यह बीमारी देख सिंह ने राज्य से लेकर केंद्र की सरकार तक को पत्र लिखा। सरकार का जवाब था कि पोलियो की रोकथाम के लिए दवा उपलब्ध नहीं है। समाचार पत्रों के जरिए एक रोज डॉक्टर सिंह को खबर मिली कि कलकत्ता में भूपी एंड कंपनी रूस से पोलियो वैक्सीन इंपोर्ट करती है। डॉक्टर दिलीप कलकत्ता पहुंचे और 1000 खुराक के लिए राशि का भुगतान कर वैक्सीन को बर्फ की पेटी में लेकर वापस पीरपैती पहुंचे। पूरे पीरपैती में पर्चा बांटा गया जिसमें लिखा था कि गरीब और असहाय परिवार के 6 माह से 2 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा मुफ्त पिलाई जाएगी। बच्चों की भीड़ लग गई और मुफ्त दवा पिलाई जाने लगी। पोलियो की यह मुफ्त खुराक साल 1984 से 1987 तक पिलाई गई लेकिन पीरपैती में बिजली न होने के कारण इस सेवा को बंद करना पड़ा। मोहम्मद सतवन अब 42 साल का है और पेशे से शिक्षक है। पल्स पोलियो की शुरुआत सर्वप्रथम 1993 में दिल्ली से की गई और संपूर्ण भारत में 1995 से, लेकिन पीरपैती के इस लाल ने तो 2 बूंद के इस अभियान की शुरुआत 1 दशक पहले ही कर दी थी। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों पर एक नजर। पीरपैती की स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखकर साल 1983 में लिखा पढ़ी के नाम से एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम 1984 में बदलकर समग्र विकास समाज कर दिया गया। साल 1984 में लंदन की प्रमुख संस्था रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड से सिंह ने संपर्क किया और संस्था द्वारा गरीब मरीजों के मोतियाबिंद सर्जरी के लिए चेक द्वारा 500 पौंड की सहायता राशि भी प्रदान की गई। साल 1984 में लंदन में आयोजित ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की बैठक में डॉक्टर सिंह ने शिरकत की और यहां आए मेहमानों को अपने विचारों से प्रभावित किया। साल 1952 में डॉक्टर डीके सिंह द्वारा गरीब रोगियों के लिए मुफ्त जांच एवं मुफ्त दवा की शुरुआत की गई और इनकी यह मुहिम इतने सालों बाद भी आज भी जारी है। साल 1993 में सिंगापुर में आयोजित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एजिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित सेमिनार में डॉक्टर सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और मानव स्वास्थ्य के अलावा बुढ़ापे पर दिए अपने भाषणों से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। 5 मई 2005 को दिलीप सिंह ने पीरपैती में गरीब मरीजों को ध्यान में रखकर डॉक्टर यमुना प्रसाद सिंह स्मृति चिकित्सालय की शुरुआत की जिसका शिलान्यास उड़ीसा के तत्कालीन राज्यपाल रामेश्वर ठाकुर और उद्घाटन बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया। लंबे वक्त से पीरपैती और आसपास के इलाकों में डॉक्टर सिंह द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है ताकि ग्रामीण महिलाएं अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से कर सकें। तो पहला बच्चा जो मिला
तो उसको देखा कि एक हाथ उसका बाया हाथ झूल रहा। तो हमने कहा ये तो पोलियो जैसा लग रहा है भाई। फिर मैं दूसरे घर में गया था, एक बच्ची थी, उसका पांव झूल रहा था। तब हमको हो गया कि नहीं साहब, ये तो पोलियो की बीमारी फैल रही है। और तब हम भागलपुर आए, लोगों ने कहा कि नहीं साहब पोलियो की दवा तो यहाँ आई नहीं। पटना गए, उस वक्त शिव नारायण सिंह, ए के एन सिन्हा सभी थे, उनसे पूछा कहा कि पोलियो की दवा पूरे भारत में नहीं। और तब हम पता करने लगे कि पोलियो की दवा मिलेगी कहाँ। पता करते करते पता चला कि अमेरिका और रूस यही दो कंट्री है जो पोलियो की दवा बनाती है। अमेरिका की दवा महंगी थी, रूस वाला सस्ता था, तो हमने रूस से दवा मंगाई 1000 डोज। डॉक्टर डी के सिंह IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के न केवल आजीवन सदस्य हैं, बल्कि वर्धा स्थित राष्ट्रीय लेप्रोसी संगठन के अलावा अमेरिका के वॉशिंगटन DC स्थित जनरल मेडिकल काउंसिल के साथ भी इनका गहरा रिश्ता है। समाज के लिए खुद को समर्पित कर चुके डॉक्टर दिलीप सिंह को सिस्टर कैरोल हस अवार्ड के अलावा प्रतिष्ठित पंचशील शिरोमणि अवार्ड और 1,00,000 रुपए की नगद राशि के साथ पद्मश्री कमलाबाई हॉस्पिटल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। जो एक इंसान में होना चाहिए सब कुछ, बहुत अच्छे इंसान है, दिल का बहुत अच्छे है। और इतने 60 साल मेरा बीता इनके साथ, बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से, और बहुत दयालु है, बहुत ज़्यादा दयालु है, और बहुत केयरिंग है, बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी ज़िंदगी इनके साथ बहुत अच्छी बीती है। जब वो सिर्फ 25-26 साल के ही थे तभी हो चुका था, और तब से लेकर के एक बड़े परिवार को उन्होंने संभाला। 10 बच्चों में वो सबसे बड़े थे, और बहनों की शादी करनी थी, भाई जो छोटे थे उनको पढ़ाना था। तो वैसे माहौल में उन्होंने जो मेहनत की और फिर विदेश जा कर के पढ़ाई की, विदेश में बस भी सकते थे लेकिन वो लौट के वापस गांव आए, और गांव में ही उन्होंने जो सेवा दी है। और हम एक शादी में गए थे जहां लखनऊ से भी लोग आए हुए थे, तो वो लोग भी जब शायरी शुरू किए तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप भी कुछ शायरी पढ़िए, और हम भी बैठे हुए थे तो हमको लगा पता नहीं हमारे पिताजी को शायरी वैसा पढ़ पाएंगे कि नहीं, तो डॉक्टर हैं। लेकिन शायरी में भी जब वो पढ़ना शुरू किए, और तो लखनऊ वाले लोग चुप हो गए और हाथ जोड़ लिए कि भाई बिहार वालों से हम नहीं जीत सकते। तो ये सब एक इंटेलिजेंट माइंड का से ही हो सकता है। और इंटेलिजेंट मतलब जो जनरल IQ की बात होती है तो हर जगह वो अप्लाई होता है। और इसके अलावा भी जो उन्होंने समाज सेवा की है उसमें बहुत नज़दीक से देखा है ज़िंदगी को। और मेरे फादर इन लॉ शुरू शुरू में जब मैं आई तो मुझे थोड़ा उनसे डर लगता था, क्योंकि वो थोड़ा कम बोलते थे और बहुत ही सटीक बात करते थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उस घर में आके अपना देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और इतना घूमने के बाद इतना अपने काम में प्रयत्नशील होकर और इतना बड़े मुकाम पे पहुंचने के बाद भी वो बिल्कुल ही सिंपल जैसे आदमी हैं, उस तरह के वो मुझे लगते थे। साल 2005 में डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह द्वारा लिखित पुस्तक मेरी कहानी मेरी जुबानी प्रकाशित हुई, जो काफी चर्चित रही। इस पुस्तक के प्रकाशन के एक दशक बाद साल 2015 में डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह द्वारा लिखी एक अन्य पुस्तक दो बूंदें जिंदगी की प्रकाशित हुई, जिसमें मोहम्मद सतवन की तस्वीर के अलावा उस दौर में जिंदगी की दो बूंद पीने वाले हजारों बच्चों के नाम के साथ उनका पूरा विवरण अंकित है। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह बताते हैं कि इन दिनों वो अपनी तीसरी पुस्तक लौट आया हूँ जहन्नुम से दोस्तों के लेखन में मशरूफ हैं, और जल्द ही यह पुस्तक पाठकों के हाथों में होगी।
जो भी थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का शौकीन व्यक्ति होगा उसने उस किताब को जरूर पढ़ा होगा। वो एक किसी राइटर के द्वारा लिखी गई किताब नहीं है, वो एक ऐसे आदमी के द्वारा लिखी गई किताब है जिसका कि वर्षों का अनुभव है डॉक्टरी का, लोगों से मिलने का, ट्रैवलिंग का, बिजनेस का। और उसमें मुझे लगता है कि एक पूरी आप चलचित्र की तरह, किसी मूवी की तरह आप उसको देख सकते हैं। 6 मार्च 2016, यह नजारा है दिल्ली के उमराव होटल एंड रिसोर्ट का, जहां डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह और इनकी पत्नी रूप कुमारी सिंह की शादी का 60वां सालगिरह बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर से आए मेहमानों और परिजनों की मौजूदगी में सिंह दंपत्ति अपनों के बीच अपनों को पाकर काफी खुश है। जिंदगी के 90% देख चुके डॉक्टर सिंह के साथ इस ढलती उम्र में आज न केवल पूरा समाज और परिवार साथ खड़ा है, बल्कि उन सैकड़ों गरीबों की दुआएं भी इनके साथ हैं जिन्हें इनके हाथों जीवन दान मिला है।